आप सभी का स्वागत है। और बहुत सारे रिटायरिंग रूम का हम वीडियो बनाते हैं, जगह जगह पे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टूर करवाने वाले झारसुगुड़ा, जिसका स्टेशन कोड है JRG, जो कि ये उड़ीसा में पड़ता है। और जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है और उड़ीसा के बेस्ट प्लेसों में से एक माना जाता है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लोक रूम का भी सुविधा मिलेगा और फिर साथ साथ में रिटायरिंग रूम का भी सुविधा मिलेगा। रिटायरिंग रूम में यहाँ पे अवेलेबल है डोरमेट्री का, जो कि नॉन एसी आप बुक करा सकते हैं। अभी हम चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं। ऑनलाइन बुकिंग आप करवा लें पहले, अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रहा तो यहाँ से आप सीधा देखिए, ये है मेन स्टेशन, यहाँ से निकलिएगा झारसुगुड़ा जंक्शन से, तो सामने के लोकेशन में आपको मिलेगा टिकट घर, जो कि टिकट घर मतलब दूसरा एग्जिट पॉइंट है टिकट घर जहाँ का नाम है। तो वहाँ से सामने ही बगल पे ही है, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे काउंटर नंबर 3 पे जाइएगा। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाए तो वहाँ से आपका ऑफलाइन बुकिंग हो जाएगा, जो कि काउंटर नंबर 3 वाले आपको कर देंगे। काउंटर नंबर 3 वाले क्या करेंगे कि पैसे जो है, जो चार्जेबल पैसा वो लिया जाएगा, आपका टिकट देखा जाएगा और फिर आपका बुकिंग हो जाएगा। बुकिंग के लिए आपके पास स्लीपर क्लास का या फिर कोई भी रिजर्वेशन का टिकट होना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, या फिर जनरल टिकट भी, कई बार होता है कि जनरल टिकट से भी जो है बुकिंग हो जाता है। तो रूम का टूर आपको देते हैं, रूम आगे है, इसी में है, अंदर में, जो कि आपको रूम कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से मिलता है, ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, रूम का पूरा टूर। और इसका जो प्राइस पड़ा है वो 50 रुपीज़, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं तो आपका 60 रुपीज़ लगभग पड़ेगा, और ऐसे 15 रुपया चार्ज वो जोड़ के 60 रुपीज़ पड़ता है, नहीं तो फिर 45 में 50 में आपको यहाँ पे ऑफलाइन में बुकिंग हो जाएगा। तो नॉन एसी की बात करें, जो कि डोरमेट्री है, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें आपको अलग अलग पार्ट करके रूम दिया जाएगा। तो अभी रूम चलते हैं, रूम में आपको दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो ये है झारसुगुड़ा जंक्शन, देख सकते हैं, अभी हम इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपको रूम मिलेगा जब आप डोरमेट्री बुक करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरीके से रहता है, एक बड़ा सा हॉल रहेगा और इस हॉल में बहुत सारे बेड बिछा दिए जाते हैं, जो कि वो लाइन से लगा हुआ 5 से 10 बेड है इस साइड और 5 से 10 बेड उस साइड, और बीच में यहाँ पे टंगना बना दिया गया है। तो इस तरीके से कपड़े और ये फैन रह जाएगा ऊपर में, नीचे में लाइटिंग रह जाएगा और ये पूरा जो है आपको बेड नजर आएगा। और वहाँ 2 वॉशरूम है, एक तो आपका उधर है एक इधर है, दोनों साइड पे एक एक वॉशरूम है जहाँ पे आप जाके फ्रेश व्रेश हो सकते हैं। तो ये है आपका रूम का टूर, जो कि इसी तरीके से रहता है। देखिए, ये आपको बेड मिलेगा इस तरीके से, डॉर्मेट्री रूम जब आप बुक करेंगे ना तो इसी तरीके से बेड रहते हैं अलग अलग, जो कि ये आपको मिल जाएगा। एक साइड पे 5-10 मिलते हैं, अगर आप कोई भी रेलवे स्टेशन में कराते हैं तो इसी तरीके से एक रूम देता है वो, और ये रूम में जो अलग अलग डिवाइडेड हैं वो यहाँ पे बेड रख दिए जाते हैं, और उसी बेड में जो है आपको बेडशीट वगैरह लगा के और फिर ये दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप बुक कराएंगे। ये देख सकते हैं 10 से 15 बेड यहाँ पे लगे हुए रहते हैं, जहाँ पे आपको चार्जिंग की व्यवस्था मिल जाती है यहाँ पे। इसके साथ साथ में अगर आप नॉन एसी करा रहे हैं तो फैन लगा हुआ मिल जाएगा, एसी करा रहे हैं तो फैन के साथ साथ में एसी भी लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये नॉन एसी का है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, नॉन एसी डॉर्मेटरी रूम। डॉर्मेटरी रूम 2 तरीके से होता है, एक तो आपको इस तरीके से बेडिंग मिल जाता है, दूसरा इसके ऊपर, एक ऊपर ऊपर उस तरीके से, तो वो वाला नहीं है, ये जनरल है। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्नान घर के लिए, जो कि स्नान घर के लिए अलग से बनाया गया, जहाँ पे 2 बेसिन रखा गया सामने के लोकेशन में, एक आपको इस साइड पे मिल जाता है, एक इस साइड पे। यहाँ पे स्नान करने की सुविधा है, जहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, जो है साफ सुथरा भी काफी अच्छा है, क्लीनिंग है, ये भी स्नान के लिए है। अगर हम वॉशरूम की बात करेंगे तो आगे ले जाएंगे, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे गीजर भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा, अगर गर्म पानी लेना है तो गीजर को ऑन करके आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। वॉशरूम बहुत ही स्वच्छ है और बहुत बड़ा अच्छा है। दूसरी ओर जाएंगे तो यहाँ पे डस्टबिन आपको मिल जाता है, जो कि डस्टबिन भी सही है। इसकी ओर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, एक वॉशरूम ये है जहाँ पे आपको यहाँ पे टॉयलेट के लिए अलग से मिल जाता है, साथ साथ में एक वेस्टर्न और एक जो है इंडियन, दोनों का आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल जाता है, एक एक यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगाया गया और ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, और ये वेसिन है जहाँ पे लोग थूक देते हैं तो गंदा है, लेकिन ये भी सही है। और रूम जो है आपका देख सकते हैं, रूम मैंने आपको दिखाई दिया, ये जो सामने वाले लोकेशन में है वो आपका रूम हो जाता है पीछे के लोकेशन में। तो रूम में आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड नहीं मिलता है, आप अगर सामान वगैरह रखना चाहें तो ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा बेड के बगल में, लेकिन आपको जो है लॉकर वगैरह का सुविधा नहीं मिलता। बहुत जगह पे लॉकर भी दिया जाता है, लेकिन सामान का स्वयं ही रक्षा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो नॉन वाले आएंगे तो ठीक है, अननोन आएंगे तो वो आपका सामान ले जा भी सकते हैं। तो ये पूरा रूम है, कंप्लीट टूर, जो कि अंदर का कुछ इस तरीके से आपको देखने में मिलेगा जब कभी भी आप डॉर्मेट्री रूम बुक कराते हैं।
तो यही है डोरमेट्री रूम, एक बड़ा सा हॉल रहता है। हॉल में जो है आपको अलग अलग बेड लगा दिए जाते हैं बगल बगल में, और इसी में आपको सोना है। तो इसका प्राइस 50 रुपये पड़ता है, अलग अलग रेट है अलग अलग स्टेशन के हिसाब से। मिनिमम 50 रुपये, 30 रुपये इस तरीके से रहते हैं एक रात का, मतलब 24 घंटे का। तो 24 घंटे का इतना कम प्राइस में बहुत ही अच्छा है। अगर आप रोड में सोइएगा उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर मिल जाता है स्टेशन पर। देखिए नीचे भी फर्श पर कितना क्लीनिंग करके रखा गया। तो ये है पूरा हॉल, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इन हॉलों में अलग अलग बेड लगाए गए हैं बहुत सारे। जब आप लेंगे डॉर्मेटरी रूम तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बेडिंग जो है वो कंप्लीट करके वो देते हैं, मतलब इसमें बिछाया हुआ रहता है। लेकिन इसमें देखिए नहीं है, जब आप आएंगे वहाँ बाहर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे टिकट दिखा के, तब आपको यहाँ पे बेडिंग के लिए दिया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑफलाइन भी होता है, स्टेशन में पता करना पड़ेगा। अगर बड़ा स्टेशन में आप बुकिंग करा रहे हैं तो ऑफलाइन वहाँ पर फुल हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन ही करा के आएँ। था पूरा रूम का जानकारी जो मैंने आपको दिया कि किस तरीके से रहता है और कैसे आप यहाँ पे बुक करा सकते हैं। तो ये झारसुगुड़ा का था, और ऐसे आप बहुत सारे स्टेशन है जहाँ पे आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएगा। और कोई भी स्टेशन जाते हैं, जब कभी भी आप जाते हैं ना, तो अगर आपको सस्ता सुविधा में रुकना है, होटल में नहीं रुकना है, तो सबसे अच्छा और बेस्ट माध्यम है रिटायरिंग रूम, जो कि यहाँ का डॉर्मेटरी रूम से भी कहते हैं। तो डॉर्मेटरी रूम आप बेसिकली आप अकेले हैं तो आप बुक करा सकते हैं, अगर 2-3 लोग हैं फिर भी आप बुक करा सकते हैं। और डॉर्मेटरी रूम में एक चीज़ और क्या है कि अगर आप पूरा फैमिली है तो आप एक ही रूम में एक हॉल में बुक करा के और आराम से कम्फर्ट होकर रह सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगा डॉर्मेटरी वाले में जब कभी आप बुक कराएंगे। और अगर आप सिंगल रूम चाहिए तो सिंगल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, डबल चाहिए तो डबल भी मिल जाएगा। 3 कैटेगरीज का रहता है, सिंगल, डबल और डॉर्मेटरी। तो ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं कोई भी स्टेशन में, कभी भी, कहीं भी। तो ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन IRCTC में जब आप बुक करेंगे तो अपना ID लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे देखिएगा रिटायरिंग रूम आता है ऑप्शन, रिटायरिंग रूम पे ऑप्शन करेंगे क्लिक, तो फिर आएगा आपका PNR डालने के लिए। PNR डालेंगे तो आपका जो लोगो है, आपका जो जर्नी है वो खुल के आ जाएगा। वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा फिर कि आप कहाँ पे बुक करवाना चाहते हैं। एक तो होता है जहाँ से आप टिकट करवा रहे हैं वो स्टेशन का बुक करवा सकते हैं वहाँ पे रुकने के लिए एक दिन पहले का, या फिर आप जहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका अराइवर है वहाँ का आप करवा सकते हैं 2 दिन तक, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा तक आप करवा सकते हैं, डेट आ जाएगा। तो डेस्टिनेशन में भी करवा सकते हैं और जहाँ से आप चालू कर रहे हैं वहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको चूज करना है, चूज कीजिएगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा टाइप का आपको चाहिए, मतलब कौन सा डेट में, 8, 10, 12, 15 जो भी देना है उसको डालिएगा। उसके बाद आपका आएगा फिर कि कौन सा डेट से कौन सा डेट तक करना चाहते हैं, फिर आएगा कि कौन सा रूम लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे डॉर्मेट्री आप चूज कर दीजिएगा या सिंगल डबल जो भी चाहिए वो चूज कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आएगा कि आपका जो है AC नॉन AC ये आएगा। उसके बाद फिर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका, अगर बुक रहेगा अवेलेबल रहेगा तो अवेलेबल दिखा देगा, नहीं रहेगा अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल दिखा देगा। तो इस तरीके से आप पूरा जो बुकिंग है वो आप करवा सकते हैं। बुकिंग प्रोसीजर यही है जो कि आपको मिल जाएगा, और इसका एक हम पार्टिकुलर वीडियो भी बना देंगे अगर आप चाहे तो। तो ये पूरा झारसुगुड़ा का पूरा रेलवे स्टेशन का पूरी तरीके से कैसा यहाँ का रूम है और क्या क्या चीज़ें, ये पूरी जानकारी हमने दिया। आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अंत तक जरूर आगे भी देखिएगा, चैनल को क्लिक करके। और भी वीडियो हमने बनाया न्यू दिल्ली, राउरकेला और भी जगह का, आपको रिटायरिंग रूम मिल जाएगा मेरे चैनल पे। तो ये लगातार जारी है हमारा जर्नी, तो आप सब सपोर्ट कीजिएगा तभी तो आगे की और जो जर्नी है वो हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और कमेंट में बताइएगा आप भी रिटायरिंग रूम में कभी बुक किए हैं तो आपको कैसा लगा ये टूर। थैंक यू सो मच।